महिलाओं ने अपनी पीड़ा को इस कदर बताया कि आंखों के अंदर आंसू जलग रहे थे और ये कह रही थी कि आज करवा चौथ का व्रत है और करवा चौथ के व्रत के दिन भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। इन्हीं के साथ में कुछ युवा साथी भी हैं, कोई LDC है, कोई चपरासी है, कोई सांघिकी विभाग के अंदर काम कर रहे हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि भाई इनकी भी क्या मांगे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम ICDS संगम बार गए। हम पिछले 14 दिन से 15 से हम निवास बनी सुबह के घर के बाहर बैठे हैं। ये आज सारी महिला हमने त्यौहार के दिन भी आज सबकी सब सुबह से यहाँ आई हुई हैं, 8 बजे से सबकी सब यहीं आई हुई हैं, पर इनकी तरफ से 14 दिन के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया है। हमारे साथी 14 सुपरवाइजर्स को निकाल दिया गया है। हमारी पहली डिमांड है कि उनको वापस बुलाया जाए और सबको सेम पे सेम वर्क दिया जाए। सेम वर्क पे अभी इन्होंने बताया था सेम वर्क और सेम पे का जो मसला है, तो सरकार भी कहती है और भी लोग कहते हैं कि भाई जितना काम करो उतना पैसा मिलेगा, लेकिन जब सरकार सत्ता में आई थी और सत्ता में आने से पहले वो कहते थे कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। सर देखो, मेरा नाम विक्रम है और मैं ICDS हेड ऑफिस के अंदर हूँ, पोस्टेड था मैं। और सरकारें आती हैं, सब वादे करती हैं कि हम आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उनमें से कुछ वादे वो पूरी भी करती हैं और कुछ वादे पूरी नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे बहुत से वादे हैं जो उन्होंने अभी भी पूरे नहीं किए हैं। हम उन्हीं के बातों को, एक तो जो उन्होंने कहा था कि ठेकेदारी बंद करेंगे, सबसे पहला जो मुद्दा हमारा भी चल रहा है ठेकेदारी बंद करेंगे। ठेकेदारी के नाम पर इन्होंने 2 जगह बांट दी है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल और एक आउटसोर्स। आउटसोर्स के नाम पर इन्होंने 60% जो है एम्प्लॉय को छाड़ दिया है, ताकि इनका काम 60% ऑलरेडी ख़त्म हो गया और जो 40% बचे हैं उनकी फाइल चलाएंगे। कब चलाएंगे अभी तो कुछ नहीं पता कि कब इनकी फाइल चलेगी, क्योंकि हमारे साथी जो 2007 के जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट से लगे हैं वो भी इसी उम्मीद में बैठे कि शायद उनकी फाइल आगे बढ़ेगी, मगर उनको ये नहीं पता कि सरकार इतनी ढीली है, इतनी निकम्मी है कि इनकी फाइल कब जाकर अपनी, हो सकता है उनके बच्चे भी बूढ़े हो जाएँ और या इनकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी। हो सकता है लास्ट मोमेंट पर जब इलेक्शन आने वाले हैं 2019 के अंदर, तब ये पलटा अपना तुरप का इक्का चलाएँ कि सबको पक्का करें कि वोट इनकी तरफ आए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सर आप हमें ये इस काम को अभी करेंगे, जल्दी करेंगे तो हम आपके साथ अभी भी हैं। पहले जैसे तरह से हमने दिल्ली की सरकार चेंज करी थी, इस तरह से दोबारा मौका ना दे दिल्ली की जनता को कि वो सरकार चेंज करने पर मजबूर हो जाए। विक्रम जी, आप उम्मीद करते हैं कि जो 2019 के अंदर जो चुनाव वो अब आने वाला है कि उसके अंदर आपको कुछ मौका मिलेगा? किस तरह का मौका? ये जो आप अभी आपने बोला कि जो जुमले आते हैं कि सर इस तरह का मौका हो सकता है, अगर ये दिल्ली सरकार की सरकार इसी तरह से ढीलापन अपना दिखाएगी तो हो सकता है कि दिल्ली की जनता जो है पहले भी सोई नहीं थी, जागी हुई थी, अभी भी जागी पड़ी है। हो सकता है वो इस बार भी सरकार को बदल दे और हो सकता है कोई और नई सरकार आए या जो पुरानी पार्टियाँ हैं उनमें से कोई नहीं आए, क्योंकि वो बेटर काम करके दिखा सके। और अगर इनको अपना बेटर काम करके दिखाना है तो हम अपनी आम जनता को उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमसे इनकी शक्ति है।